हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है भोजन की दुनिया में। तो भाई, जैसे कि आपको पता है मेरी दीदी के घर है, आपको तो नहीं पता होगा शायद। तो भाई उनका मैं मनाने जाऊंगी, जैसे शादी के बाद पहली बार, तो उनका वो सामान भी हम लेके जाएंगे। और जो दीदी को देना है, मतलब सकरात का, हमें वो भी देना था। हम लेट हैं क्योंकि भाई उनका हवन भी है साथ में, तो हम हवन के साथ ही सारी चीज़ कर रहे हैं। उनका नया घर बना है, आपने पीछे वीडियो देखी भी हो शायद, तो उनका उद्घाटन है, इस वजह से हम सारा इकट्ठा ही कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या पैक कर लिया। शायद मेरे को मतलब कोई लेने आ सकता है, अभी कन्फर्म नहीं है कि कौन लेने आएगा, और नहीं तो बाई बस भी जाना पड़ सकता है, अभी कुछ नहीं कन्फर्म है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या पैकिंग कर ली है। तो भाई देखो, जैसे कि ये चूड़ा मैंने डाल लिया है नॉर्मल, मतलब जैसे डेली वे में डाल लूँगी, या यहाँ से एक डाल के जाऊँगी, यहाँ से डाल के जाऊँगी मैं ये वाला चूड़ा, भाई ये वाला डाल के जाऊँगी पूरा कम्प्लीट। और अभी देखते हैं, अभी फाइनल नहीं है भाई, ये भी डाल सकती हूँ जो मेरा करवा चौथ का था। अभी देखते हैं कौन सा डालेंगे। और तो भाई ये मेरी पैकिंग हो रही है बैग में, और ये मैंने पर्स ले लिया, ये वाला पर्स लेके जाऊंगी मैं, जिसमें हमारा हैंड भी रहेगा और हम इसे इजीली कैरी कर सकते हैं, टांग भी सकते हैं और वैसे एक हैंड में भी रख सकते हैं। तो मैंने कुछ अपना है, अपना जो मेकअप का है पर्सनली सामान वो ले लिया है। ये स्वेटर लेके जाऊंगी, और भाई ये प्रेस करने लग रही है मेरी चाची जी। तो ये देखो भाई, मेरी ये वाले सूट लेके जाऊंगी, आपको दिखाती हूँ। और ये वाली स्वेटर लेके जाऊंगी भाई, ये रहेगी ऐसे, मतलब इसमें ऊपर से ऐसे कि साड़ी वगैरह पे इजीली डाली जाएगी। ये भाई मेरे को लग रहा है पेट दिखाने के लिए होता है ये कट, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाली स्वेटर लेके जाऊंगी, हल्का कलर अच्छा भी लगेगा। और एक ये पर्पल वाला सूट लेके जाऊंगी डार्क, और एक जो मेरा एक करवा चौथ का, तो आपको जैसे कि देखा ही होगा ये प्रेस करके रखती है, एक ये वाला लेके जाऊंगी, और एक बेबी पिंक वाला जिसके नीचे अफगानी सलवार है, और एक शायद ये लेके जाऊंगी। और भाई अभी डालने का डिसाइड नहीं हुआ क्या डाल के जाऊंगी। तो ये ऐसे हैं कि इसके ऊपर देखो भैया ऐसा है, ये टॉप रहेगा, और ठंड ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से मैं ये डाल के, देखो इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो इसका वर्क पसंद आया था। क्योंकि जो हम कोई भी कुछ लेने चलते हैं ना, उसके यहाँ ज़्यादातर फूलों का वर्क मिलता है, और मेरे को फूलों का वर्क इतना अच्छा नहीं लगता। तो भाई मैं ये डाल दूँ, पता नहीं अभी कन्फर्म। तो ये डालने के बाद नीचे वो साड़ी का लुक दे देगी एक, और गाउन का भी दे देती है एक तरह से, अगर हम दूसरी साइड से बांधेंगे तो ऊपर ये स्वेटर या कोई भी डाल लूँगी। तो भाई अभी देखती हूँ डाल के क्या जाऊँगी, क्योंकि अभी पूरा रूम बिखरा पड़ा है सामान भी। और अभी तो मेरे को ब्रश भी लेनी है, अपना चार्जर भी लेना है भाई, जो भी हमारी मेन मेन चीज़ होती है वो हमें दूसरे के घर लेके जानी चाहिए, ताकि वो बंदा हमारे वजह से परेशान ना हो। तो अभी मैं लेके जाऊंगी, देखती हूँ क्या क्या, मैंने मेन मेन सारे सामान डाल लिया वैसे तो, फिर भी कोई चीज़ ना भूलूँ तो अभी देखते हैं भाई। तो ये देखो भाई, बाहर का मौसम आज काफ़ी साफ़ हो रहा है, सकरात के बाद बढ़िया हो गया मौसम। देखो अभी धूप तो आई नहीं है, धूप अभी शायद आएगी। और मम्मी जी अपना चूल्हे पे सिक रही है भाई, और तो भाई अभी देखते हैं। और चाची जी बाड़ों में ऑयल लगा रही है भाई। तो भाई अभी साफ हो रहा है मौसम। तो भाई मैं आ गई फाइनली नीचे। तो भाई मम्मी जी अब मेरे को सूटों के बारे में समझाएगी किसको क्या देना है। ये सासू का हो गया और ये सासू की चोरी हो गया, हो गया। ये दोनों अमनी का और आसू का, ठीक है। एक आसू का रखा था, फिर मैंने दूसरा और कर दिया। ये जो करोगे ये ममता दीदी ज्योति दीदी के, वो उनकी भी नंद के, ये उसकी नंदों के, और ये सासू का, ये छोरिया की, ज्योति दीदी का, ममता दीदी का। अच्छा, ये ज्योतिर के हो गए, ये तो ज्योतिर का, ज्योति दीदी ममता दीदी उनका हो गया। ये आशु और के हो गए, आशु और अवनी। हाँ, ये उसकी सासू के, ये सासू के छोरिया के ननद, मतलब ठीक। एक एक सूट में बेटी सोता था, ये है। भाई फिर मैं गई गाँव जी सूट की फिटिंग चेक करने। तो मोनिका भाई मेरी अब नीचे की पैंट प्लाजो की कटिंग कर रही थी भाई, इसमें थोड़ा सा अस्तर कम या कुछ ना कुछ कमी थी, तो मतलब भाई हमें मार्केट को आना जाना पड़ता है, तो इसलिए एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है मोनिका।
मेरी ननद है। तो भाई ये मेरा सूट कटन लग रहा है, इसकी सेटिंग नहीं बैठ रही है, और इसका भाई जो अस्तर का कलर है वो भी बहुत ज्यादा अलग मिला है। अभी लग रही है मेरी ननद कैसे के करेगी, भाई इसका कैसे सूट बिठाओगी, वहां पेन तुरपाई करने लग रही है। दादी जी अपनी तम्बाकू की डिब्बी न ले रही है भाई। भाई इधर पानी आ गया है गरम गरम, फिर हमने सोची मौसी जी ने कपड़े भी धोले हुए, तो भाई मौसी जी अपने देख लो तसले में डाल दिया है सारा, पर इसमें धोल लग रही है अपना आराम से मसल के, क्योंकि भाई गरम गरम पानी में है आराम से दूजा है, पानी आ गया देखो आपने दिखता भी हो गया, बहन लग गया ताज़ा पानी में धोए भाई, ठंड में वैसे कौन धोते गए पड़े कपड़े कुछ, अभी तो धोने लग रहे हैं। मैंने कर दी है लंच की तैयारी, ये रोटियां बन रही हैं गरम गरम, और इधर इनों के लिए फ्रूट्स कट कर लिए हैं, और ये है ऑरेंज, एप्पल, बनाना और पपाया, ये इकट्ठे हुए तीन जनों के लिए फ्रूट्स हैं। ये बनी हुई है भुजी, थोड़ी सी बची हुई सुबह की सब्जी, और ये आलू मटर की। तो भाई रोटी जल जाएगी, पहले रोटी को अरे जल जाएगी रोटी, चल गई भाई रोटी। तो भैया हम धूप में बैठे थे, तो मैंने सोचा फेस के लिए कुछ ना कुछ कर लिया जाए, क्योंकि ठंड हो रही है और ठंड में कुछ करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है फेस के लिए भी, फेस की केयर भी नहीं हो पाती। तो ये है भाई वेट टिश्यू पेपर, मैं इससे अपना जो मैंने लगा रखा था फेस पे सुबह से, क्रीम है या लिपस्टिक है मतलब जो भी, वो मैं सारे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, देखो कितनी आ गई है इस पर। अब ये दूसरी साइड से कर लेती हूँ मैं, ताकि वो ना हो जो मेरे फेस पे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ है वो सारा हट जाए। तो भाई ये मैंने कर दिया क्लीन, तो अब लेंगे भाई स्क्रब, क्योंकि मेरे को है थोड़ी ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है भाई, काफ़ी बंदों को है ब्लैक हेड्स की, तो इसलिए पहले मैं करती हूँ ये स्क्रब एवर यूथ का। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा ख़त्म हो गया भाई, थोड़ा सा ही रहता है, तो मैं इसे फेस पर ज़रा ज़रा सा लगा लेती हूँ। भाई मिरर अभी देख नहीं पा रही हूँ, नीचे रखा, अभी देखूंगी उसे भी। तो भैया पानी की हेल्प से तो भाई थोड़ा थोड़ा हम पानी लेंगे, और जो स्क्रब है यारे बैठ के कर ले, इसको हाथ ऐसे कर लेंगे, और ये वाला है तो भाई जो भी हमारे स्टेप है वो हमेशा हमें ऊपर की तरफ करने, नीचे की तरफ नहीं करने। तो जो कि ये हमारे ब्लैक हेड्स है वो हम बाद से पिन से रिमूव करेंगे, ताकि जो हमारी स्क्रीन है ये स्क्रीन है वो नरमा के बिल्कुल अच्छे से निकल जाएंगे, उसमें पेन नहीं होगा हमें। तो भाई नाक के पास से अच्छे से करेंगे, क्योंकि नाक में हमारे जो होते हैं ब्लैक हेड्स होता है, भाई दूसरा आदमी वैसे अच्छे से कर देता है, अगर आपके पास कोई अवेलेबल है तो आप उससे करवा सकते हो, क्योंकि वो हमें पीछे लिटा के ऐसे करेगा, हमारी स्क्रीन को टाइट हो जाएगी जिससे। अब मैं खुद कर रही हूँ तो इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं होता फील, बंद कर दी। तो भाई मैंने 10 मिनट से जो अपना स्क्रब अच्छे से कर लिया है, भाई मैंने कोई ऐसे जो अपना वॉश कर लिया, अब साफ पानी से और कर लेती हूँ एक बार। तो भाई आपके पास अगर स्पंज है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो भाई मेरे पास अभी स्पंज अवेलेबल नहीं था, तो अब मैं मिरर में देख के तो भाई आपको टॉवल यूज़ करना है, आपको दुपट्टा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दुपट्टे से आपको रैशेज़ हो सकते हैं। मैं अभी थोड़ी बाहर आई हुई हूँ तो भाई मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास ये पिन अवेलेबल होगी जो कि हमारी कील निकालने के लिए यूज़ होती है, ये जो आगे वाला होल होता है
तो भाई जो ये आगे वाला होल होता है ये हमारी जो भी कील होगी हम उसको ऐसे, ये जैसे एग्जांपल ब्लैक कैट्स मिलेगा आपको, डॉट मिलेगी कील की, तो आप उसको ऐसे पिन करोगे, प्रेस करोगे तो वो इजीली ऊपर निकल के आ जाएगी। और ये भाई किसी को ब्लैक कैट्स की प्रॉब्लम है तो आप स्टीम भी यूज़ कर सकते हो, स्टीम भी अवेलेबल नहीं है वरना हम कर लेते हैं। स्टीम यूज़ करोगे तो आप उसकी नॉर्मल, तो भाई मेरे को होती है थोड़ी ना उसके पास ज़्यादा होती है, तो भाई मैं पहले तो ये वाला हमारा जो एरिया होता है ना ये बहुत ज़्यादा होता है, इसमें हमारी ब्लैक हेड्स की ऑलमोस्ट लेडीज़ को मतलब प्रॉब्लम रहती है, बहुत कम होगी। तो मैं भी एक ये होता है हमारा ये चिन वाला एरिया, तो पहले मैं इनकी रिमूव करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, क्यों भाई मेरे को हर एक काम साथ में करना पड़ रहा है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती ऐसे। देखो आपको भी दिख रहा होगा मेरे नोज़ के पास कितने ब्लैक हेड्स है, देखो आपको ये, तो ये भाई एकदम से नहीं निकलते, कुछ निकलेंगे कुछ नहीं, क्योंकि जो ज़्यादा अंदर है वो हमारी स्किन को पील भी कर सकती है, तो इसलिए हमें एकदम से प्रेस देके इनको नहीं निकालना, धीरे धीरे निकालना। तो मैं निकाल लेती हूँ भाई पहले, तो देखो भाई आपको इस पिन में दिख भी रहे होंगे ये वाइट वाइट हेड्स है, आपको दिखे होंगे, दिख रहे हैं भाई अभी, तो भाई आप देख लेना नहीं तो मैं, तो भैया टिश्यू पेपर से अपना साफ करते रहो, निकालते रहो। देखो भाई ये दिखा होगा, अब दिख रहा है भाई, जब ये नोज के ऊपर ब्लैक, जो हमारा किसी के ब्लैक होते हैं भाई किसी के वाइट है, तो मेरे को वाइट है, देखो भैया आपको अलग से दिख रहा है ये उतरता हुआ, भाई मेरे को दिख रहा है, शायद आपको कैमरे में ना भी दिखाई दे रहा हूँ, तो भैया आप अपना उतारोगे स्क्रीन पे से तब अपने आप दिखाई दे जाएगा आपको। तो देखो एक ये मेरे नोज पे अभी लगा हुआ है, आपको ये भी दिख रहा होगा, देखो ये जो मैंने अभी उतारा है, तो भैया ये होते हैं हमारे डर्टी, तो इन्हें हमें ज़रूर से भी ज़रूर क्लीन करना चाहिए। तो भाई अब मैंने जो की है ब्लैक हेड्स है वो मैंने अपने नोज के पास से या जो भी मेरे यहाँ चिन के यहाँ थे मैंने रिमूव कर लिए, तो अब लगा लेती हूँ भाई मैं चारकोल मास्क, क्योंकि अगर आपने कोई भी मतलब ऐसी स्क्रबिंग की है या ये मतलब स्किन उखाड़ी है तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज निकालनी पड़ेगी जो कि हमारे पोर्स के अंदर ना जाए, अगर हम ऐसे ही ओपन पोर्स छोड़ देंगे, जरूरी नहीं आप ये यूज करो कोई भी एवर यूथ का, अगर आपके पास पील ऑफ मास्क है या फिर मुर्तानी मिट्टी है, आप कुछ भी मतलब ऐसे अकेले पोर्स नहीं छोड़ने, तो मैं फिलहाल के लिए ये लगा लेती हूँ। तो भाई ये मेरे को मिरर में लगाना पड़ेगा देख के, तो मैं आपको फिर बाद में दिखाती हूँ मिरर में लगाने के बाद। तो भाई मेरा मास्क है जो लग के कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसे 10-15 मिनट सुखाऊंगी, सुखाने के बाद आपको दिखाती हूँ जब पील करूँ। पील कर लिया। तो भाई ये है जो मेरी ननद की ननद है, मतलब उनकी सासों की बेटियां, ये उनके लिए ये दो ये, और ये भाई मेरी तरफ से थे, ये मैं लेके आई हूँ जो मनाने के लिए, और ये भी दो दीदी है ना मेरी वहाँ पे, तो दोनों के लिए हैं, ये जीजू और के लिए स्वेटर ये मम्मी जी ने की है, और ये है भाई ये नीचे कर देते हैं, ये है भाई उनकी सासों के लिए शॉल है और दो सूट है, और ये है मेरी जो ननद के लिए मम्मी जी की तरफ से सर्दी का सूट, और एक ये पता नहीं भाई लो ये क्या है, मेरे को भी नहीं पता, ये पैंट शर्ट लो ये क्या है, और टॉवल है, और फिर ऐसे ही दूसरी दीदी का है, और ये बेडशीट है। तो भाई ये हम संभालने से जाएंगे सारा, उसमें जो मनाने के लिए था सकरात चली गई है, बट हम थोड़ा भाई हमें सारा करना था, हवन का भी करना है सकरात का भी करना और मेरी मनाई मुनी भी है, और ये है भाई दो कंबल, ये देखते हैं भाई कौन सा है, एक तो ये वाला आपने देख लिया था जो मैंने पूरे व्लॉग में डाल रखा है, ये तो वो वाला कंबल है भाई, टोटल मतलब चार कंबल हो गए हैं, और देखो ये भाई खोल के मैंने भी देखे वहाँ खोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी,
ये इस टाइप के दो कंबल हैं, इसमें आपको दिख रहे हैं थोड़े से, ये वाला सूट है जो मेरा सिल के आ गया है, जो मेरी नंदों के लिए था, मतलब सकरात के लिए, और ये मेरा है। तो भैया मैं आपको वेयर करूँगी जब दिखा दूँगी। तो ये वाला सूट फाइनली मेरा आ गया है सिल के, स्टिच होके, नीचे प्लाजो पैंट बनवाई है, और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, देखो ऐसा वर्क है भाई, धागे से थ्रेड वर्क हुआ हुआ उनके ऊपर। और ये भाई प्योर ऑर्गेंजा कपड़ा नहीं है, आजकल ऑर्गेंजा बहुत ज़्यादा चला हुआ है, ये ऑर्गेंजा से थोड़ा सा ऊपर वाला कपड़ा है, देखो ये, मतलब यहाँ ये बात जो है ना, ऑर्गेंजा तो बिल्कुल छल नहीं है, ये थोड़ा सा ठीक है उससे हल्का सा। तो भाई ये सूट डालूँगी जब दिखा दूँगी मैं आपको। ये वो ब्लैंकेट है जो मतलब मेरी तरफ से है, मेरे पापा जी मम्मी जी ने दिया है, जो सकरात के लिए मनाने के लिए दिया था, ये शायद ये तो पापा जी का था भाई, ये नंदों का नहीं है, नंदों के तीन कंबल वहाँ थे जो मैंने आपको दिखा दिए, ये पापा जी का था। मैंने बनाई है प्याज टमाटर की चटनी, मैंने पहले प्याज टमाटर को अच्छे से भून दी, उसमें अभी मसाला डाल दिया, अभी मसाला अच्छे से भून जाएगा, इसके ऊपर कवर हो जाएगा ताकि मेरी चटनी तैयार होके बढ़िया लगे। और ये भाई मटर भून रही हूँ, अगर मटर साइड में इसलिए कर रही हूँ, अलग से उबाल रही हूँ कि ये हमें मतलब कच्ची महसूस नहीं होगी इसमें, तो कब तक ये बनेगी। मैं लगा लेती हूँ आटा, ये सब्जी मेरी बनके तैयार हो गई, धनिया डाल दिए, इसे मैं सब ताकि स्टीम में रहे, और ये मेरा आटा लग गया। वही मैंने जो कि यह खाना खा लिया है, और अब हम बैठेंगे रजाई में। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।